मैं सबसे पहले आपका वो बता दूं जो नक्षत्रों का है, जो वैदिक युग में 28 नक्षत्र थे, बाद में अभिजित को है ना, वो महाभारत में आता है, अभिजित स्पर्धमाना ही कन्यसी स्वसा, तो अभिजित को जो है कृतिका के साथ जब हुआ था तो कृतिका बड़ी हो गई, फिर अभिजित को जो है ड्रॉप किया गया, ये वर्णन आता है। तो वो क्या होता है ना कि जब लगभग 12,000 BC के आसपास अभिजित जो था वो पोल स्टार था, वो ध्रुव नक्षत्र था, लेकिन वहाँ से वो डिविएट करके ऑलमोस्ट 65 डिग्री तक आ चुका था 9000 BC में। इसलिए अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों का आया था, फिर तैत्तरीय ब्राह्मण में आपको दोनों मिलते हैं, 27 नक्षत्रों का भी 28 का भी, लेकिन सूर्य सिद्धांत के बाद फिर वो 27 नक्षत्रों का ही रहा, क्योंकि 360 डिग्री को आप डिवाइड करते हैं तो 13.20 जो डिग्री का है वो बिल्कुल एक विदाउट फ्रैक्शन लेस होता है, लेकिन 28 से विद फ्रैक्शन होता है। इस तरीके से जो 28 नक्षत्र है वो चंद्र की जो गति है इलिप्टिकल, वो उस जब पूर्णिमा से उसका जो मूवमेंट है उसके आधार पर नक्षत्र है, लेकिन क्या उधरी नक्षत्र है पूरे अंतरिक्ष में है, लेकिन उसमें से अगस्त्य जो नक्षत्र है ये आप ये 28 नक्षत्रों के अलावा भी पूरे जो जो दृश्य अंतरिक्ष है उसमें बहुत से नक्षत्र हैं, बहुत से कॉन्स्टेलेशंस हैं, जैसे सप्तर्षि मंडल है, उनका ये चंद्रमा के ये जो 27-28 से तो कोई संबंध नहीं, वो भी एक है। इसी तरह अगस्त्य नक्षत्र जो है वो आपको दक्षिण दिशा से ही उसका उदय आपको प्राप्त मिलता है। ये प्रथम उदय हुआ था वो भारत में कहीं भी नजर नहीं आता था, लगभग 11,000 से 10,000 BC के बीच में कन्याकुमारी में दृश्य होना प्रारंभ हुआ धीरे धीरे जो है वो। इसीलिए ये भी आ गए कि अगस्त्य जो है वो विंध्य पर्वत से चले गए, उसके बाद दक्षिण में गए, तब से विंध्य पर्वत जो है बढ़ना बंद हो गया, वो एक अंतर, क्योंकि दक्षिण में ही अगस्त्य नक्षत्र दृश्य होता था, लेकिन बाद में महाभारत रामायण काल के बाद लगभग 5-3 उसके बाद उत्तर भारत में अगस्त्य नक्षत्र का दर्शन होने लगा। अभी फिर अगर आप जम्मू और कश्मीर में जाएंगे तो लगभग 1500 BC में ही अगस्त्य नक्षत्र, फिर यही चक्र जो है 11,000 AD में, मैंने आज से और 10,000 वर्ष के बाद दोबारा वो जो है उत्तर भारत में दिखना बंद हो जाएगा। तो ये एक चक्र है वो 26,000 वर्षों का वो चलता रहेगा, वो इसलिए अगस्त्य। कश्यप जो है एक ड्रैको कंस्टेलेशन है, वो शिशुकुमार या शिशुमार कंस्टेलेशन है, ये हमेशा नॉर्थ का कंस्टेलेशन है, ये उत्तर ध्रुव के पास है, उसके अंदर जो ध्रुव नक्षत्र पहले अभिजित था, अभिजित ध्रुव, क्योंकि ध्रुव का भी चलन है, मैत्रायणी संहिति मतलब कथम ध्रुवस्य चलनम, ये उसका प्रश्न करते हैं कि ध्रुव भी कैसे मूवमेंट होता है। तो जब तैत्तरीय ब्राह्मण और इसका तैत्तरीय उस समय कश्यप नक्षत्र वो गामा ड्रैकोनिस वो पोल स्टार है, उसके बाद जो है फिर दूसरा स्टार रामायण काल में आया जिसको मैंने दिखाया था वो कश्यप है, उसके बाद है जो पुच्छ में जो थुबन है दैट इज अल्फा ड्रैकोनिस, वो पुराण और महाभारत काल में वो थे। तो आज जो है पोलारिस है, तो ये जो 26,000 तो पोल स्टार भी बदलते रहते हैं वो ही। दूसरा जो जितने भी विश्व के कैलेंडर्स हैं उसका मूल भारतीय कैलेंडर से ही,
पहले क्योंकि सूर्य सिद्धांत मैंने बोला ना, सभी लोग कहते हैं ये 500 एडी के बाद लिखा गया, आर्यभट्ट वो 500 के बाद है, इस तरीके उससे पहले भारतीयों को कुछ नहीं आता था, ग्रीस से ही इनका प्रभाव पड़ा, वो नहीं है। अगर आप ये अबुल फजल का आईने अकबरी में वो रेफर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इरा, जहाँ पर एरीज में ऑल प्लैनेट्स का कंजंक्शन, वो सूर्य सिद्धांत का ही है। उसका जो विषय देते हैं 1,080,000 वर्षों का वो युग बता, वो एक्चुअली 3,000 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 का आता है, वो 3,700 BC से लेके एक युग लेके चलते हैं तो वो भी जो है लगभग 6,778 के आसपास आता है। इसी तरह उस समय पहले 10 दिनों का एक वीक होता था, इस तरीके एक डेसिमल सिस्टम में 10 महीने का एक वर्ष की कल्पना थी, लेकिन वो अधिक मास का जो है ना जो इंटरकैलेशन को वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए बहुत सी समस्याएं आती थी। तब जो है जूलियस सीजर ने उसने कहा कि चलो 365 दिन कैसे भी हम ये, उन्होंने ये चांद्र मास को हटा दिया, किसी तरह 365 दिन उनको करना है, इसलिए वो 4 वर्षों के बाद एक दिन का कहीं भी फरवरी मास में एक करके वो किसी तरह उसको कैलेंडर को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन चांद्रमास ना होने की वजह से बहुत सी गड़बड़ियाँ, इसलिए वो ईस्टर को लेके लड़ते रह गए। अंततः आज तक उसका समाधान नहीं, वो ग्रिगोरियन का वो ईस्टर का जो प्रॉब्लम जो क्रिश्चियंस ने फेस किया है, इतने समस्याएं उसके अंदर, वो फाइनली क्योंकि वो चांद्रमास से ही उनको ईस्टर की तिथि आ सकती थी, ये रोमन जो जूलियस सीजर के कैलेंडर में नहीं आ सकता। Since we are running short of time, I propose that we continue the discussion over tea. I invite the chairperson for concluding remarks of the session. Om. Om Sadayati Sindhura Vadana Devi Pada Pankaja Svaranam Bhatharma Jivam Kamsam Rasim Naseti Vignanam Suklambaram Dharam Vishnu Sachivaranam Tatrujam Pratanna Vadanam Thay Sarvino Pachante Satruvadano Brahma Divaguru Paro Hari Ahavalo Tinkumbur Bhagavan Badrayana Om Shanti Shanti Shanti. सर्वप्रथम तो मैं ये जो सूर्य सिद्धांत के ऊपर जो ज्योतिषी गणना के ऊपर जो आई है बात, उसके बारे में बताऊंगा। ज्योतिष की ये जो हमारे वैदिक उसमें पृथ्वी के 4 प्रकार की चाल बताई गई है, विवर्तति मही सूत्र है ऋग्वेद। तो विवर्तति मही सूत्र जो है उस सूत्र में ये बताया गया है कि पृथ्वी की 4 प्रकार की गतियाँ हैं। 4 प्रकार की गति में जो आधुनिक विज्ञान 2 मानता है, एक 365 दिन वाला, एक 24 घंटे, बाकी 2 को आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं मान रहा है। एक तो पृथ्वी जो है प्रत्येक 60 घड़ी में एक दफे ऊपर आती है, एक दफे नीचे जाती है, जैसे हमारा दिल चलता है ना इस तरह से ऊपर। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढा जाए तो कैसे भी ठंडी के सीजन में दिन के 12 बजे मध्यान्ह में 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे जाती है, और जैसी भी गर्मी हो जून जुलाई की और रात के 12 बजे 2-3 डिग्री टेम्परेचर नीचे हो जाता है क्योंकि पृथ्वी ऊपर आती है। ये सीधा सिद्धांत है, वैज्ञानिक इसको प्रमाण कर सकते हैं, इसका शोध करेंगे ऐसे लोग। और दूसरा है पृथ्वी जो है अभी नॉर्थ ईस्ट में 24 डिग्री टिल्ट चल रही है, अभी 24 डिग्री। अब ये बीच सेंटर में आने के लिए इसको 7,500 वर्ष लगता है, क्योंकि तो 27 में जाके 27 डिग्री टिल्ट होगी, उसके बाद वापस जीरो में आने के लिए इसको 7,500 वर्ष लगता है। फिर उसके बाद में ये साउथ ईस्ट को टिल्ट होगी, उसमें 7,500 वर्ष जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते ये 15 गुना 30,000 वर्ष हो जाता है। तो इसी तरह ग्रहों का और नक्षत्रों का दिखना भी इसी आधार पे
कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, किसी जैसे सिद्धांत है उसको आपको ऋग्वेद का विवर्तती वही सूत्र का व्याख्या करना होगा, तभी जाके इसको आप खोल कर पाएंगे। पहली चीज ये जो जिसका कोई बता दिया मैंने, और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा रस के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया, ताप देना आके बढ़ेगा सब, इसका जो है सीधा संबंध ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार ने 16 पटल योग का निर्माण किया था। उस 16 पटल योग में क्या हुआ कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हुई कि वो कभी भूत को सोचता कभी भविष्य को सोचता है, वर्तमान में रहता ही नहीं है। और इससे जो ध्यान की जो प्रक्रिया थी, जब तक वर्तमान में नहीं आओ ध्यान नहीं लगता है, सीधा सा आपको वर्तमान में आना है तभी ध्यान लगेगा। तो मनुष्य को वर्तमान में आने की अभ्यास कराने के लिए कोई नाटक दिखाए तो थोड़ी देर वो वर्तमान में आ जाता है, कोई काव्य सुनाए तो थोड़ी देर वर्तमान में आ जाता है, कोई संगीत सुनाए तो भी थोड़ी देर वर्तमान में आने का प्रयास करता है। वो भूत और भविष्य वाले जो चक्कर है ना, वो जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है ना, इस तरह से मनुष्य का मस्तिष्क जो है कभी भूत में कभी भविष्य में, वर्तमान में टिकता ही नहीं है, जिसके कारण से ध्यान नहीं लगता है। और इसको ध्यान में लाने के लिए ये सारी आज की जो आधुनिक फिल्म है या बच्चों की नाटक है या काव्य है, ये वर्तमान में लाने का प्रयास है। प्रेजेंट इज प्लेजेंट बोल के मैंने इसके बारे में एक बहुत अच्छा जो है रोटरडम यूनिवर्सिटी हॉलैंड में, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैंने प्रवचन दिया था, प्रेजेंट इज प्लेजेंट, उसमें आओ। ये सारे प्रयास जो हैं ये साहित्य और ये नाट्य संगीत और ये सारे रीति प्रयास है ना, ये मनुष्य को वर्तमान में लाने के लिए बहुत अच्छा। ये सनत कुमार का जो अगर 16 पटल योग को आप देखेंगे, योग की शुरुआत भी उन्हीं से हुई है, उसको आप देखेंगे तो इसमें वो कहते हैं इस परंपरा को जो हम योगी बोलते हैं ना नाथ, उन्होंने गुरु गोरखनाथ ने फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था। मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने ये सनत कुमार का जो 16 पटल योग है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके जो नाम के पीछे योगी लगाया गया क्योंकि योग करते थे सनत कुमार का, तो इसलिए उनका सरनेम बोलते ना आज अंग्रेजी में, तो योगी लगाया गया। तो योग जो है चित्तवृत्ति निवृत्त है, तो इसको चित्तवृत्ति निवृत्त बोले तो क्या है कि प्रेजेंट में आओ, अभी क्या है उसमें आ जाओ। चित्तवृत्ति कभी पास्ट में चली जाती कभी फ्यूचर में चली जाती, उसको कंट्रोल करो। ये सारे साधन जो बनाए गए, और इसमें तो एक दूसरा भी है कि खाने में डाला हुआ जहर और ये पानी में डाला हुआ जहर का इलाज है, कान में डाला हुआ जहर का इलाज नहीं है। तो राजा लोगों को विभिन्न गुप्तकर विभिन्न चीज़ सुनाते रहते थे, तो रात्रि के समय संध्या से वो फिर शास्त्रीय संगीत सुनते थे, जिससे कि मतलब उनकी वो बीस प्रवृत्ति नष्ट हो, नेगेटिविटी को नष्ट करना। तो ये सारे जो है ना, ये रस प्रवृत्ति इसको एक तो वर्तमान में लाने का सबसे बड़ा कार्य जो है वो सनत कुमार ने इसका, ये सब चीज़ों की शुरुआत इसलिए की गई थी कि ये मनुष्य को वर्तमान में लाया जाए। ये बहुत विशेष रूप से इसका बहुत महत्व है, बहुत से शास्त्र में ये रस के बारे में, इसके नाटक के बारे में, इसके कला के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही उत्तम जो मैंने सूत्र बताया, उस सूत्र से आप देख लीजिए सनत कुमार का 16 पटल योग में ये सिद्धांत है। योग की शुरुआत भी वहीं से हुई है, मनुष्य को वर्तमान में लाने के लिए क्या क्या करना है, साधन के रूप में इसको विकसित किया गया। हम लोग जैसे कि चलने के लिए गाड़ी हवाई जहाज ये रेल सारा बनाया ना, साधन के रूप में विकसित किए ना, इसी तरह से उत्क्रम में मनुष्य को वर्तमान में लाने के लिए ये सुविधाएँ आगे बढ़ाई गई, इसको प्रश्रय दिया गया, राज्य से प्रश्रय मिला, हर चीज़ से प्रश्रय मिला, समाज से मिला, सबसे मिला, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना था कि मनुष्य को कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हो कि उसको वर्तमान में लाया जाए। अब जैसे क्रोध भी अगर आप वर्तमान में रहिए क्रोध नहीं होगा, या पास्ट को लेके या फ्यूचर को लेके झगड़ा होता है, 10% भी झगड़े जो है वर्तमान को लेके नहीं होते। क्रोध को भी समन करने का यही एक उपाय था कि उसको मनुष्य को वर्तमान में ले आए।
तो बहुत अच्छा सूत्र है। और इसी तरह से इन्होंने स्थापत्य कला के बारे में बताया। स्थापत्य कला में क्या था कि विश्वकर्मा और मय वाला दो अलग है। विश्वकर्मा में धातु का प्रयोग था, मय में धातु का प्रयोग नहीं था। एक तो पहली बात यह है। तो शुरू में जो स्थापत्य कला पूर्व वैदिक काल में क्या थी कि देवस्थल, दुर्ग और राजप्रसाद ही स्थाई बनाए जाते थे, बाकी सब स्थाई निर्माण होते थे। इसमें लकड़ी बांस आदि का प्रयोग होता था, मिट्टी लकड़ी बांस आदि का प्रयोग होता था। जो स्थाई प्रकृति की जो वास्तु बनती थी उसमें देवस्थल मंदिर जिसको कहते हैं हम, उसके बाद में दुर्ग, उसके बाद में राजप्रसाद। और ये पीछे आके मतलब कि त्रेता युग के आसपास आकर के फिर जो है कुछ सामंतों को बनाने की राजप्रसाद से शुरू की, जिससे सामंतों ने भी अपना घर बनाना शुरू किया। इस तरह से जो स्थाई वास्तुकला है वो इस तरह से स्थापित कला आगे बढ़ी है। और एक आज से 7 वर्ष पहले नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तु सम्मेलन हुआ था जिसका मैं इसी तरह अध्यक्षता कर रहा था। तो मैंने प्रश्न किया सारे वास्तुविदों की वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मुझे बताओ। तो कोई भी बता नहीं पाया। तो हमारे अथर्वेद में ही, अथर्वेद की भी काफ़ी चर्चा हुई, अथर्वेद में वास्तु का शुरुआत जो है मनुष्य ने जो है वो उहे सर पंछी ने जो घोंसला बनाया ना वो देख के सीखा। ये बात हमको अथर्वेद में किसी एक सूत्र में मिल सकता है। तो ये मैंने देखा था, अभी तो मुझे याद नहीं हो रहा, विस्मृत हो गया। तो उसमें जो है उहे सर से शुरू हुआ बोल के वर्णन आया है। तो इतना कहते हुए कि अभी की उसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो 2 मिनट तक में पूछ सकते हैं। 10 होती है बेटा, 10 होती है। ये जो है किताब में लिखा होगी दिशा 10 होती है, 10 दिशा होती है। चलिए ये चर्चा भी हम लोग चाय के समय में कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी का, हमारे सभी वक्ताओं का, संयोजिका महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग करतल ध्वनि से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस सत्र के अध्यक्ष, केवल एक मिनट और लेना चाहूँगा, इस सत्र के अध्यक्ष और वेल्स इंडिया की अध्यक्ष दोनों से निवेदन है, कृपया हमारे जो यहाँ पर वक्ता थे उनको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर वेदवीर आर्य जी जो हमारे पहले वक्ता थे, वैदिक क्रोनोलॉजी के ऊपर आपका पत्र रहा और उनका अभिनंदन करेंगे। नेक्स्ट मैडम डॉक्टर मीरा द्विवेदी। प्रोफेसर कमला भारद्वाज जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जस्ट 4-5 सत्र से पूर्व मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं और इस सत्र के पश्चात हमारे 2 सत्र चलेंगे। एक सत्र जो इसी भवन में, इसी सभागार में होगा, जिस सत्र की, इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर ललन प्रसाद जी और को चेयर करेंगे डॉक्टर प्रवेश सक्सेना मैडम और सेवन जी का है डॉक्टर संध्या राठौर मैडम। जैसे कल हमारा ये सत्र चल रहा था यूथ स्कॉलर का, वहाँ पर जो 10 नंबर कमरे में, आज वहाँ नहीं है, आज जो यूथ सेशन वाला सत्र चलेगा इस भवन के जस्ट बैक साइड में कॉन्फ्रेंस रूम में। और आप सभी जो यंग स्कॉलर्स हैं और कॉन्फ्रेंस सेंटर में हम लोग चलेंगे और वो सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर आशा रानी त्रिपाठी मैडम और को चेयर करेंगे डॉक्टर सरोज गुलाटी मैम और इसमें सत्र संयोजक रहेंगे डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी। अभी हम लोग
आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं 15 मिनट के बाद नेक्स्ट सत्र हमारा 12:10 पे स्टार्ट होगा 12:10 पे है ना। अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट का समय है चाय पान के बाद हम लोग यही उपस्थित होंगे। आप सभी का चाय के लिए आमंत्रित हूँ। सर एक मिनट में राजेश इसकी रिपोर्टिंग मत करिए।